राजधानी दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए और हमारा समय बर्बाद करने के लिए हमारी पार्टी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस क्रम में केंद्र सरकार की सबसे प्रिय एजेंसी ईडी ने हमारी पार्टी को नोटिस भेजा है। चड्ढा ने कहा कि हम बीजेपी और केंद्र की इस गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं है, सवाल नोटिस की टाइमिंग का है। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और राजस्थान के चुनाव की वजह से आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर पिछले 7 साल में बीजेपी के किसी नेता को नोटिस नहीं भेजा गया, ये दुर्भावना से प्रेरित बीजेपी का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि हर साल असेसमेंट ईयर में आपको नोटिस भेजा जा रहा है और उसमें क्लीन चिट मिली है। अगर लड़ाई लड़नी है तो आप नेता केजरीवाल की तरह काम करके जनता का दिल जीतो, हम इस नोटिस से डरने वाले नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, अगर हमसे लड़ाई लड़नी है तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति कर लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो। ये नोटिस और ये समन्स भेजकर तुम्हें अगर लगता है कि तुम हमें डरा सकते हो, खदेड़ सकते हो, हम घबरा जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही इस मिट्टी के नहीं बिने कि तुम्हारे इन दो कौड़ी के नोटिस और समन से हम घबरा जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता उत्तराखंड से लेकर गुजरात और पंजाब से लेकर गोवा तक देख भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि जब वो हमें इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर सकते तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने को उतर आए। ये नोटिस भेज हमें परेशान कर, प्रताड़ित कर, हमारी छवि को धूमल करने की कोशिश भाजपा कर रही है। बता दें कि इससे पहले 13 सितंबर को इसी मसले पर चड्ढा ने कहा था कि बीजेपी जब चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव में हत्या नहीं कर पाती तो हमारा चरित्र हनन करती है, खास तौर से विधानसभा चुनाव से पहले फंसाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए हैं।